हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बैटरी रिव्यू करेंगे 17.2 के नए अपडेट का आईफोन XR के ऊपर। अगर आप सभी भी यूज़ करे हो आईफोन XR, तो ये वीडियो वॉच करके आप बढ़िया सा कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आपको इस अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप बढ़िया बैटरी बैकअप चाहते हो अपने डिवाइस के ऊपर, तो इस बैटरी टेस्ट को ज़रूर वॉच करें आईफोन XR के ऊपर। सो बढ़ते हैं गाइस इस वीडियो की ओर। तो इस अपडेट का जो साइज मूव मेरे को रिसीव हुआ था आईफोन XR पे, वो 1.14 GB मेरे को देखने को मिला था। तो हर एक डिवाइस के हिसाब से आपको अलग अलग डिवाइस जो है वो अपडेट का साइज़ देखने को मिला होगा। कई आईफोन्स में इसका साइज़ 1.3 GB है, कई आईफोन्स में इसका साइज़ 1.5 GB भी देखा गया है, जैसे कि आईफोन 14 और 15 सीरीज़ में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैटरी बैकअप और बैटरी ड्रेन कैसा हो रहा है और बैटरी हेल्थ जो है वो ड्रॉप हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब से मैंने iOS 17 को इंस्टॉल करा है आईफोन XR के ऊपर, तब से मेरे को कोई भी बैटरी ड्रॉप का इशू देखने को नहीं मिला है कि बैटरी हेल्थ जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे को देखने को मिला। क्योंकि मैंने इस डिवाइस को सेकंड हैंड बाय किया है और इसका जो ओरिजिनल बैटरी हेल्थ है वो है 87%, बट करंटली यहाँ पर रियल बैटरी हेल्थ जो है वो शो नहीं कर रहा है। जब मैं इसको कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ, लगाता हूँ अपने केबल को, तो उस टंग कंडीशन के ऊपर मेरे को वहाँ पर 87% हेल्थ देखने को मिलती है। बट जैसे ही मैं यहाँ पर देखता हूँ मैक्सिमम कैपेसिटी, तो 85 यहाँ पर शो करता है। तो कोई भी मेरे को बैटरी हेल्थ से रिलेटेड ड्रॉप इशू देखने को नहीं मिला जब से iOS 17 रिलीज़ हुआ है, जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ इस डिवाइस को। तो अब बात करते हैं कि बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पुराने वाले अपडेट्स की ओर जब हम नज़र डालते हैं, तो आईफोन XR का जो बैटरी बैकअप है इस अपडेट में थोड़ा सा बढ़िया हुआ है। इतना नहीं कह सकते कि इतना बढ़िया नहीं हुआ है, बट पुराने अपडेट्स के मुकाबले में इस नए अपडेट में इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी बढ़िया हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पर आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है, वहाँ पर इसमें ग्राफ में चेकआउट करो कि कैसे ये जो बैटरी को ड्रेन कर रहा है रात के टाइम पे भी। अगर मान लो कि आपने लास्ट चार्ज किया था रात को 90 या 80%, तो सुबह तब जब आप देखोगे कि 10% बैटरी जो है वो ड्रेन हुई मिलेगी आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने अपने डिवाइस को 85% के ऊपर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो 85% के ऊपर ये 10% या 12% बैटरी को रात के टाइम पे ड्रॉप कर देता है, कोई भी एक्टिविटी जब नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, 11 PM से लेकर जो 7 AM तक का टाइम है वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। जब से इसमें कोई एक्टिविटी होती है, तब यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी जो बैटरी है वो धीरे धीरे करके ड्रॉप होती है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप अपने यूसेज के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि कितनी बैटरी ड्रॉप होने वाली है आपके डिवाइस के ऊपर। और बात करते हैं हीटिंग की, तो हीटिंग इशू आईफोन XR पे बिल्कुल भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हीटिंग इशू जो है वो पुराने वाले अपडेट्स में ही फिक्स कर दिया गया था। तो इसलिए किसी भी आईफोन में आपको शायद इतना मेजर हीटिंग इशू देखने को ना मिले। थोड़ी बहुत हीटिंग तो हर एक डिवाइस में होती है, जैसे जैसे कि आप अगर BGMI या कोई गेम्स वगैरह प्ले करते हो अपने डिवाइस के ऊपर, तब आपको शायद कुछ हीटिंग इशू देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं इस आईफोन के ऊपर कोई भी आज तक मैंने गेमिंग वगैरह नहीं करी है, इसलिए मेरे को इतना बड़ा मेजर इशू हीटिंग का देखने को नहीं मिला। और बैटरी बैकअप जो है वो पहले से थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है, थोड़ा सा बढ़िया हुआ है। तो बात करते हैं बैटरी के चार्जिंग के बारे में। मैं इसको कई बार फास्ट चार्जर से भी चार्ज करता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कुछ वीडियोस को भी एडिट करना होता है यहाँ पर अपने आईफोन XR के ऊपर। इसलिए यहाँ पर कई बार थोड़ा बहुत हीटिंग इशू यहाँ पर बॉटम साइड की ओर मेरे को देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा हीट हुआ मिलता है अपना डिवाइस। तो कुछ इस तरह का इसका बैटरी बैकअप है और बैटरी रिव्यू है आईफोन XR का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।